ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. अल्टरनेटिंग करंट्स में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा और पांच नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, पांच नंबर का भी और तीन नंबर का भी. वो डिपेंड करता है कि किस सेट में क्या आएगा. कुल मिला के ईएमआई एंड एसी 7 से 8 नंबर की वेटेज रखता था पहले जब कम्युनिकेशन नहीं था. मुझे लगता है इस बार ज्यादा रखेगा, हो सकता है 10 नंबर तक भी इन दोनों चैप्टर में से आ जाए. दो की जगह होता है 3 क्वेश्चन हो जाए इस बार. तो क्वेश्चन लेकिन बहुत ईजी है, मतलब अगर मैं आज अभी अपनी थ्योरी भी करवाऊं जो हम करते हैं और उसके बेस पे भी 2 साल या 3 साल के पेपर करें तो भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्वेश्चन सीधे ही आ रहे हैं. तो हमने स्टार्ट किया था इसमें अल्टरनेटिंग करंट से. अल्टरनेटिंग करंट के अंदर इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, या तो आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी. फिर हमने मीन वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट निकाला था. जो मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है कंप्लीट साइकिल के लिए, मीन या एवरेज वैल्यू की वैल्यू क्या होती है? 0. इसीलिए एवरेज वैल्यू किस साइकिल के लिए निकलती है? ओवर अ हाफ साइकिल, दैट इज 0 से लेके T/2. तो 0 से T तक एवरेज वैल्यू 0, 0 से T/2 तक मीन वैल्यू क्या कैसे निकलती है उसका निकालने का यह तरीका था कि अगर कोई भी करंट आपको गिवन हो और कोई भी करंट के नीचे अगर मैं एरिया निकालूं, तो जैसे स्मॉल एरिया निकालते हैं, ये टाइम डी टी है और ये छोटा सा करंट आई है, तो आई इंटू डी टी जो है ये चार्ज आ जाएगा. चार्ज जो चार्ज है वो क्या होता है? करंट इंटू टाइम होता है. क्योंकि तो एवरेज करंट क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम होता है. टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? आई डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 अपॉन टोटल टाइम T1 से T2. आई की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें? आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लेकिन लिमिट्स कहां से कहां पुट करनी है? 0 से लेके T/2. तो यहां से आई नॉट बाहर आ गया, साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, और टाइम की जो इंटीग्रेशन यहां से T/2 आएगी. तो यहां पर इसे अगर सॉल्व किया जाए, माइनस को बाहर ले लेते हैं और सॉल्व करके एक बार स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट, स्मॉल टी की जगह लोअर लिमिट, तो ये टर्म आएगी. ओमेगा क्या होता है? 2π/T, टी से टी कैंसिल, तो कॉस पाई बचेगा. कॉस पाई क्या होता है? -1. तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या आएगी? 2I0/π. ये आपने प्रूव करना है. सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी सेम क्वेश्चन आ सकता है. बस आपने एक चीज चेंज करनी है डेफिनेशन में, आई डी टी की जगह ई डी टी और ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी, 0 से लेके T/2, 0 से लेके T/2. तो यहां से साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा. सेम है इंटीग्रेशन, बिल्कुल सेम स्टेप है, आंसर भी एग्जैक्टली सेम है करंट वाला. 2π I0 की जगह 2π E0 है, हो जाएगा प्रूव ये. ठीक, नेक्स्ट है आरएमएस वैल्यू. आरएमएस वैल्यू करने से पहले एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद करेंगे ताकि सीधा हम पुट कर सके. साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन 0 से T तक T/2 होती है, और साइन 2 ओमेगा टी या कॉस 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 0 से T 0 होती है, याद रखना है. तो आई आरएमएस की जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डीटी T1 से T2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीटी. तो इसके अंदर फर्क यह कि रूट मीन, मीन और स्क्वायर ऑफ करंट की वैल्यू है. तो आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर. तो यहां से आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टाइम इज टी. साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन मैंने सीधा रिजल्ट बताया याद करने को, सीधा T/2, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह सीधा T/2. टी से टी कैंसिल, जो आई आर एम एस है उसकी लिमिट 0 से T लगेगी. एवरेज या मीन वैल्यू की लिमिट 0 से T/2 लगती है और इसकी लिमिट 0 से T लगती है. तो आंसर सीधा आ जाएगा I0/√2.707 × I0. ठीक, ये वैल्यू आएगी. अगर सेम चीज अगर एवरेज आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ निकालनी है, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर डी टी. आई की जगह ई पुट कर लेंगे, ई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. ई की जगह पुट कर लेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, बाकी एवरीथिंग इज सेम. तो यहां से जब मैंने ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी पुट किया और लिमिट 0 से T लगाई, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? T/2. आंसर सेम आएगा E0/√2. तो आई आर एम एस, ई आर एम एस, आई एवरेज, ई एवरेज, ये चार वैल्यूज को आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाई इंटीग्रेशन. नेक्स्ट है इसमें AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली. तो अगर मान लो ओनली रेजिस्टेंस लगी हुई है,
तो ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय रेजिस्टेंस आर, ये जो कोफिशियंट होता है ये मैक्सिमम करंट आई नॉट होता है, तो आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम बोलते हैं करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। इसके फेजर अगर ड्रॉ करने हैं तो इसके फेजर में ये आपके पास ई एम एफ है और करंट है, तो ई एम एफ भी साइन फंक्शन है, करंट भी साइन फंक्शन है, तो एक जैसे फंक्शन बनेंगे इसमें, ऊपर नीचे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप के फेजर में क्या होगा, ये ई एम एफ है, इसका एंगल कितना है ओमेगा टी, करंट का एंगल भी एग्जैक्टली ओमेगा टी, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, ये ड्रॉ करना आना चाहिए। इसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट दो तीन टॉपिक्स हैं, एसी कंटेनिंग एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, ओनली इंडक्टर में स्टार्ट करेंगे इज ई नॉट साइन ओमेगा टी से। ईएमएफ इंडक्टर में क्या होती है, एल इंटू डी आई बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी आई और डी टी, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये आई साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, तो माइनस बाहर आ गया, करंट की वैल्यू आ गई, तो करंट जो है माइनस कॉस में आ गया। ईएमएफ ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ साइन में चल रही है, करंट माइनस कॉस में चल रहा है, याद रखना। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कॉस ओमेगा टी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी में साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, माइनस अंदर एडजस्ट हो गया, ओमेगा टी पहले पाई बाई टू पीछे, तो ये आई की वैल्यू आ गई। इसके अंदर ये जो कोफिशियंट है इसको आई नॉट बोलते हैं, वेर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा। तो यहां तक प्रूव करके आना है, इसे ये पता लग रहा है कि ई एम एफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट ओमेगा टी से पीछे चल रहा है बाय एंगल ऑफ पाई बाई टू, तो प्रूव करने को आएगा कि प्रूव करो वोल्टेज लीड्स करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू या करंट लैग्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू, यहां तक हो जाएगा प्रूफ। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एल ओमेगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एल ओमेगा में ये ई एम एफ है, ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है, एक्स एल बोलते हैं इसे, इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा। इसके फेजर के अंदर अभी अभी क्या डिस्कस किया था कि ये आपके पास ई नॉट साइन है, साइन फंक्शन ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और करंट एक्चुअल में इंटीग्रेट करके क्या आया था, माइनस कॉस आया था, माइनस कॉस यहां से स्टार्ट नहीं होता, माइनस कॉस नीचे से स्टार्ट होता है, तो करंट का ये ग्राफ बनेगा, तो ईएमएफ का ये ग्राफ बनेगा, करंट का नीचे से ग्राफ बनेगा, ये बनाना आना चाहिए, ये आ जाता है, ठीक, पॉइंट क्लियर है, ये याद होना चाहिए। इसमें फेजर में क्या होगा, ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी, तो करंट पीछे चल रहा है ईएमएफ से बाय एंगल ऑफ ओमेगा टी, बाय एंगल 90 सॉरी, तो ये ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी, तो करंट का एंगल पीछे चलेगा बाय एंगल ऑफ 90, ये भी ड्रॉ करने को आता है, ये भी आना चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा सारा कि कौन आगे कौन पीछे, वोल्टेज आगे करंट पीछे। या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा ओनली कैपेसिटर का, कैपेसिटर में इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ईएमएफ की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू आ गया, करंट क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो क्यू की जगह यहां पुट किया, डिफरेंशिएट किया, साइन के जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, यहां से ओमेगा बाहर आ गया, तो ये आपके पास करंट आ गया, कॉस फंक्शन बना, माइनस कॉस नहीं ये कॉस है, तो ई एम एफ इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट इज सम कॉन्स्टेंट इंटू कॉस ओमेगा टी, तो यानी कि करंट का ग्राफ कॉस के साथ जाएगा, माइनस कॉस नहीं जाएगा। सी ओमेगा नीचे आ गया, इस पूरे कोफिशियंट को आई नॉट, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, तो अगर ई एम एफ इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, तो इसमें करंट आगे है ई एम एफ से बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू, या वोल्टेज पीछे है करंट से बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू, क्योंकि आपने इस पूरी टर्म की जगह ई आई नॉट पुट किया, ई नॉट इज आई नॉट इंटू वन बाय सी ओमेगा, ई एम एफ इज करंट इंटू रेजिस्टेंस एक्स सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, ये पता होना चाहिए। और फेजर में ड्रॉ करना आना चाहिए कि जो ई एम एफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट है वो कॉस फंक्शन है, माइनस कॉस नहीं है, माइनस कॉस होता नीचे से ग्राफ स्टार्ट होता, कॉस है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, ये रहा कॉस फंक्शन, बन जाएगा डायग्राम, बनाने को आता है, फेजर ड्रॉ करो ओनली कैपेसिटर का। फिर ये भी आ जाता है ई एम एफ का एंगल ओमेगा टी, करंट का एंगल ओमेगा टी से पाई बाई टू आगे की तरफ, क्या ये पॉइंट क्लियर है। फिर इसके बाद अगर ये नहीं आएगा तो सीरीज एलसीआर के ऊपर या तो न्यूमेरिकल या फिर ये खुद थ्योरी या इसके ऊपर रेजोनेंस का क्वेश्चन पक्का आएगा, रेजोनेंस को लेके और शार्पनेस और क्यू वैल्यू, इसके ऊपर तो पक्का क्वेश्चन आता ही है।
तो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे और पुराने पेपर भी देखेंगे और आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि इतना मुश्किल आता नहीं है इसमें, और करना आपने सारा ही है क्योंकि यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन कब आएगा। तो इसके अंदर एलसीआर लगाया सीरीज में, तो एलसीआर आपने सीरीज में लगाया आर एल और सी, तो ओनली रेजिस्टर के अंदर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो एक ही लाइन में वेक्टर है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे है करंट पीछे है बाय एंगल ऑफ 90, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जो है पीछे है करंट से बाय एंगल ऑफ 90, तो इसमें करंट आगे दिख रहा है वोल्टेज पीछे है, इसमें वोल्टेज आगे है करंट पीछे है। तो इन तीनों को अगर हम मर्ज कर लें तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ये करंट है और ये आर है, वी आर और आई एक ही लाइन में है, इंडक्टर वी एल आगे होगा करंट से बाय एंगल ऑफ 90 और वी सी पीछे होगा करंट से बाय एंगल ऑफ 90, तो ये करंट का एक्सिस है। तो बेस करंट को मानेंगे क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, तो करंट को ऐसी फिक्स कर लेते हैं, तो वी आर इस तरफ है, वी एल करंट से आगे होगा, वी सी करंट से पीछे होगा, तो ये वी एल है ये वी सी है। तो हम मान के चलते हैं, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, तो वी एल में से वी सी माइनस करेंगे तो ये वाली साइड क्या आएगी, वी एल माइनस वी सी, ये वी एल माइनस वी सी, ये वी आर, तो पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये नेट रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, इसको नेट वोल्टेज बोलते हैं। तो नेट वोल्टेज आपके सामने है अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, नेट वोल्टेज आ गई। नेट वोल्टेज में इसको ई लिख लिया, तो करंट क्योंकि सेम है तो इसकी जगह ओम लॉ आई इंटू आर, इसकी जगह आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स सी, आई सॉल्व करके नीचे आ गया। टोटल ईएमएफ है भाई, टोटल करंट को क्या बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस या इंपीडेंस, तो इंपीडेंस जेड की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इंपीडेंस तक आपने बनाना है, आपने पहले वो डायग्राम बनाना है, फिर आपने मैथमेटिकल लिखना है इंपीडेंस तक लिखना है, फिर ये बनाना है आपने साथ के साथ डायग्राम, फिर आपने ये भी लिखना है इसमें टेन फाइव किसके इक्वल है, वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर, वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, फिर आपने ये लिखना है वी एल क्या होता है, आई नॉट इंटू एक्स एल, आई नॉट इंटू एक्स सी, आई नॉट इंटू आर, तो करंट कैंसिल हो गया, टेन फाइव की वैल्यू आपने लिख के आनी है एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, और इसको ट्राइंगल से अगर रिप्रेजेंट करेंगे इसको बोलते हैं इंपीडेंस का ट्राइंगल, ये भी बना के आना है टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, तो ये जेड हो जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अगर एक्स एल एक्स सी के इक्वल है, फाइव पॉजिटिव है, इसको नॉन इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं या ओनली रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन अगर एक्स एल बड़ा है, फाइव पॉजिटिव है, तो इसमें इंडक्टेंस का रोल बड़ा है कैपेसिटेंस का छोटा है, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट बोलते हैं। और अगर एक्स सी बड़ा है एक्स एल से, तो ओवरऑल टर्म नेगेटिव है, तो कैपेसिटेंस का रोल बड़ा है तो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट बोलते हैं। तो तीन केस हो गए इसमें, ठीक। नेक्स्ट है इसके अंदर रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस, ये दो टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर अब जैसे आरसी सर्किट है, एलसीआर में एल सी उड़ा दो तो आरएल सर्किट बनेगा, तो एलसीआर में से तीसरा वाला हिस्सा उड़ा दिया, डायग्राम में से वीसी उड़ गया तो वीआर बचा वीएल बचा, तो नेट वोल्टेज क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वीआर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर, क्योंकि इसमें वीसी तो होगा ही नहीं, और इंपीडेंस में से भी एक्स सी को हटा देंगे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और टेन फाइव क्या होगा इसमें, एक्स टेन फाइव होता क्या था, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, एक्स सी होगा ही नहीं तो क्या होगा, एक्स एल बाय आर, तो टेन फाइव की वैल्यू आ गई। ऐसी अगर आर सी सर्किट है, एक आर सर्किट, एक आर लगा हुआ है और एक सी लगा हुआ है, तो आर और सी में एल वाला कॉम्पोनेंट हट गया, तो फेजर्स में वी एल तो होगा नहीं, सिर्फ वी सी होगा और वी आर होगा, तो नेट वोल्टेज क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, इंपीडेंस में एक्स एल तो होगा नहीं तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और टेन फाइव के अंदर एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर में एक्स एल तो होगा नहीं तो सिर्फ एक्स सी बाई आर। तो स्पेशल केस निकलाएंगे मेन केसेस में से। उसके बाद हमने किया था एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस में ये समझाया था कि इसके अंदर क्या होता है कि हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और चार्ज करके छोड़ देते हैं, हम ये मानते हैं कि एनर्जी तो होती लॉस तो है नहीं, तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी किसको देगा, इंडक्टर को, इंडक्टर फिर कैपेसिटर को,
कैपेसिटर, इंडक्टर, इंडक्टर कैपेसिटर, तो ये ऑसिलेट करेगी एनर्जी, इसको एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो होता क्या है, हमने कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दिया, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, तो हमने इसको स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करके ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको देगा, मैग्नेटिक की फॉर्म में देगा, और थोड़ी देर में करंट बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, और इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये खाली हो गया, अपने सारी एनर्जी किसको देगी, इंडक्टर को दे दी, कितने टाइम में, T/4 टाइम में। फिर इंडक्टर का काम है कि अब वो करंट किसको देगा, कैपेसिटर को, और इसको चार्ज करेगा। लेकिन क्या होता है, इंडक्टर जो चार्ज देता है वो उल्टा चार्ज कर देता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब सारी एनर्जी मैग्नेटिक हट गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गई, और कितनी देर में, नेक्स्ट T/4 टाइम में। तो यहां से यहां आने में T/4 टाइम, यहां से यहां आने में T/2 टाइम, T/4 मोर, तो T/2 हो गया। अब कैपेसिटर फिर से अपनी एनर्जी किसको देगा, इंडक्टर को। पहले इस कैपेसिटर ने एनर्जी को मीन्स इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, अब उल्टा चार्ज है, तो अब जब वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करवाएगा तो उल्टी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करवाएगा कुछ इस तरीके से, ये रही गिरा T/4 टाइम में, और लास्ट ये इंडक्टर वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देगा, और उसी इनिशियल स्टेट पे कैपेसिटर वापस आएगा जहां से स्टार्ट हुआ था, टोटल टाइम टेकन T है। तो इस तरीके से एनर्जी कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, इनमें मूव करती रहती है और ऑसिलेट भी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी सीधा कभी उल्टा, मैग्नेटिक फील्ड भी कभी सीधा कभी उल्टा, तो इसको एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। सीरीज पैरेलल रेजोनेंस आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे भी पैरेलल सर्किट तो आते ही नहीं है, सीरीज ही आते हैं, और सीरीज में रेजोनेंस नॉर्मली आता है। सिर्फ समझाने के नहीं आता, समझाने के लिए है, तो कि देखो ये मतलब जैसे हमने +1 में किया था ऐसे ही ऑसिलेट करती है, कोई लेना देना नहीं। ठीक है यहां तक?
तो इसके अंदर सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर एल सी आर सीरीज में कनेक्टेड है, और इसमें सिर्फ दो लाइन में खत्म करूंगा। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ओमेगा की वैल्यू बढ़ती है। जब ओमेगा की वैल्यू बढ़ती है तो एक्स एल बढ़ता है और एक्स सी कम होता है। एक ऐसी ओमेगा की वैल्यू आ जाती है जब एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाते हैं, इस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। तो जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल होता है तो ओमेगा क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो उस केस में ये कैंसिल हो जाते हैं, जेड मिनिमम हो जाता है आर, और जेड की वैल्यू जब मिनिमम होती है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम। कब? रेजोनेंस के अंदर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसको 2 मिनट यहां रोक के हम अपनी वापस शीट पे चलते हैं जो हमने साथ साथ पैरेलली की थी। इसमें देखो हमने कुछ हाँ मैंने एक शीट दी थी फॉर्मूलाज ऑन एसी, अगर आपको याद हो फॉर्मूलाज में मैंने जो है एवरेज वैल्यू और ये इंटीग्रेशन के रिजल्ट सारे कैसे याद करवाए थे, ये सब मैंने फेजर बना के दिखाए थे, जिसमें ओनली रेजिस्टेंस में क्या बनेगा, ओनली इंडक्टेंस में क्या बनेगा, ओनली कैपेसिटेंस में डायग्राम क्या बनेगा। तो जो इंडक्टेंस है ये ग्राफ हमेशा आता है पेपर में बोर्ड्स में, एक्स एल और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो, एक्स एल इज एल ओमेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, तो एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। फिर ऐसे ही एक्स सी का ग्राफ आता है 1/c ओमेगा, तो हाइपरबोला बनता है इस टाइप का हाइपरबोला, ये याद रखना है। फिर एल सी आर का ये फेजर डायग्राम आते हैं, फिर उसके बाद ये मैंने बता दिया सारा, ये सारा हो गया डिस्कस सबसे। नेक्स्ट जो शीट थी इसमें वो थी आरएमएस करंट्स के ऊपर, जिसमें ये बताया जाता है कि ई आरएमएस क्या होता है, ई नॉट बाय रूट टू। तो जस्ट बेसिक शीट है जिसमें इलेक्ट्रिक मेन्स है, आर मार्क 220 वोल्ट, जब कुछ ना गिवन हो जो रीडिंग होती है वो ई आरएमएस ली जाती है। तो ई आरएमएस 220 है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन ई नॉट तो है नहीं, ई नॉट की जगह ई आरएमएस है, तो ई नॉट को क्या लिखेंगे, रूट टू इंटू ई आरएमएस, यहां से आंसर आएगा आपके पास। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है यहां से, तो ओमेगा टी को 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ऑपरेट हो रहा है 12 वोल्ट डीसी पे, तो अगर आपको इसका एसी इक्विवेलेंट लेना है तो उसको ई आरएमएस बोला जाता है, तो डीसी बोले या ई आरएमएस बोले एक ही बात है। इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एसी एंड गिव नॉर्मल ब्राइटनेस, व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू, तो ई नॉट निकालना है, ई आरएमएस पता है, ई नॉट की वैल्यू रूट टू इंटू ई आरएमएस आंसर आ जाएगा। जैसे आप इस फोर्थ क्वेश्चन को देखें, आपको आरएमएस करंट निकालना है, इसमें तीन करंट्स हैं, 2 एम्पियर है, माइनस 2 एम्पियर है, फिर 2 एम्पियर है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो IRMS कैन बी कैलकुलेटेड, तो यहां से कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट के अंदर गिवन है, विच इज गिवन एज I0 इनटू T बाय tau, tau इज सम कांस्टेंट टाइम, और वो कह रहा है आरएमएस वैल्यू निकालो कहां से कहां तक, 0 से लेके tau तक, तो ये सोल्यूशन तो मुझे पता नहीं, स्टार्ट ऐसे करेंगे, IRMS का फॉर्मूला वही लिखेंगे जो हमने सीखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, आई की जगह पुट करेंगे आई नॉट इनटू टी बाय टाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कहां से कहां आरएमएस निकालनी है, 0 से टाउ तक, तो लिमिट लगेगी 0 से टाउ, 0 से टाउ, तो यहां से आप जो इसको स्क्वेरिंग करें, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यू बाय 3, टाइम की जगह टाउ पुट करना, कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डेफिनेशन विल रिमेन सेम। तो ये बेसिक्स ऑफ आरएमएस है जो आपको पता होना चाहिए कि ई नॉट से ई आरएमएस और ई आरएमएस से ई नॉट कैसे निकलता है। हालांकि क्वेश्चन तो जो ज्यादातर आने वाला है वो एलसीआर और इसी के ऊपर ज्यादातर आने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट शीट थी ये नहीं करनी है, तो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी। फिर मैंने आपको कुछ शीट दी थी जिसके अंदर 3 शीट थी, जिसमें एलसी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, सीरीज एलसी, फिर एलआर को कैसे सॉल्व करना है,
और तीसरी एलसीआर के क्वेश्चन थे, ये एसएल लोढ़ा की थी, अच्छी शीट थी ये। तो एलसी, एलआर और एलसीआर, तो तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स थे जो आपको इसमें प्रैक्टिस करने थे। और इसके बाद जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो इस शीट में से रहती है, और वो है रेजोनेंस और सेलेक्टिविटी के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट शीट है मेरे हिसाब से, जो जो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। तो इसके अंदर क्या गिवन है, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर। तो रेजोनेंस क्या होती है, और रेजोनेंस के ऊपर आपको एक क्वेश्चन तो पक्का आने ही वाला है बोर्ड्स के अंदर। तो रेजोनेंस में, रेजोनेंस इज सेड टू बी सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस व्हेन करंट थ्रू इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू। तो जब करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमने सीरीज एलसीआर में करंट ये सीखा, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की क्या होगी, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी, राइट। तो रेजोनेंस के बारे में लिखने में आएगा तो आप लिख लेंगे ये ग्राफ जरूर प्लॉट करके आना रेजोनेंस में, ये ग्राफ जिसमें ये शो कर रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर जब करंट मैक्सिमम है, करंट कितना है, ई नॉट बाय आर। फिर आपने ये शो करना है, अगर ये 3 नंबर का और आता है और भी लिखने को आता है, ये तो कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा ये ग्राफ। तो जिसके अंदर आपने दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है, एक ओमेगा आर से लेफ्ट ओमेगा 1, एक राइट ओमेगा 2, और इन दो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज पर करंट सेम वैल्यू देगा, और कितना देगा, जितना मैक्सिमम था उसका √2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स। मेरे ख्याल से इसको आप ई आई आर एम एस भी बोल सकते हो। तो यहां पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे सेम करंट आ गया, कितना, मैक्सिमम बाय √2। इन फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, और ये जो बैंडविड्थ है वो क्या होगी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो इसको डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा आर माइनस ओमेगा 1, और इसको भी लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आर इज डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा, तो डबल कितना हो गया, 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। तो ये बैंडविड्थ है, तो 2 × डेल्टा ओमेगा बेसिकली ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है। तो कुछ इस तरीके से है, ये आपको ग्राफ याद करना है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर इंपीडेंस सीरीज जो एलसीआर सर्किट है जिसमें रेजोनेंस है, पहला पॉइंट है इंपीडेंस बिकम प्योरली रेजिस्टिव। क्यों, क्योंकि एक्सएल एक्सी से रेजोनेंस में क्या हो जाता है, कैंसल, तो बचती क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट है करंट क्या हो जाता है सीरीज रेजोनेंस में, मैक्सिमम। थर्ड पॉइंट है पावर डिसिपेटेड भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, क्योंकि करंट मैक्सिमम है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस फाई। अब मुझे पता है जो कॉस फाई होता है वो क्या होता है, आर डिवाइडेड बाय जेड, पावर फैक्टर हम करने भी वाले हैं आज, तो आपने सुना भी होगा पावर फैक्टर आर बाय जेड। पर क्योंकि जेड इसमें किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, एक्स एल एक्सी तो है ही नहीं, तो आर और आर कैंसिल, तो क्या आएगा यहां पर, कॉस फाई इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू 0। अगर ये नहीं करना तो ऐसे कर लो, टेन फाई क्या होता है, एक्स एल माइनस एक्सी बाय आर, एक्स एल एक्सी के इक्वल है, तो फाई फिर से क्या आ जाएगा, 0, तो फाई 0 हो जाता है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। पता लगे क्वेश्चन आ जाए, कंसीडर अ सीरीज एक्सेप्टर सर्किट, आप क्वेश्चन छोड़ा हो कि हमने तो किया ही नहीं एक्सेप्टर सर्किट, तो सीरीज एलसीआर को ही एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करता है जिसको साथ जो रेजोनेंस में रहती है, हमने कहा था वो रेडियो स्टेशन बनाने के काम आता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलना चाहते हैं। क्लियर है यहां तक। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ सकता है वो शार्पनेस के ऊपर क्वेश्चन आया 2019 में, शार्पनेस के ऊपर सेम क्वेश्चन आया, डिफाइन शार्पनेस। तो शार्पनेस या क्यू फैक्टर एक ही बात है, तो शार्पनेस से ही क्यू फैक्टर निकलता है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को क्यू फैक्टर बोलते हैं, दैट इज क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, जितनी हाई क्वालिटी होगी उतना ही बढ़िया सिग्नल होगा। तो आपने सेम डायग्राम फिर से प्लॉट करना, ये तो आपने करना ही करना है, चाहे क्यू वैल्यू आए, चाहे शार्पनेस आए, सीरीज एलसीआर आए, कुछ भी आए, ये तो बनना ही बनना है, ठीक। तो इसमें क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन द बोथ साइड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। तो इसके अंदर क्या वो क्या कह रहा है कि क्यू वैल्यू किसके इक्वल है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विच इज टेकन ऑन द आइदर साइड ऑफ ओमेगा आर। ओमेगा आर के आइदर साइड पे हमने दो फ्रीक्वेंसीज ली थी ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1, जहां पर करंट कितना हो जाता था, मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2। तो वो फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। तो ये ओमेगा आर, और इसकी जगह मैंने बताया था क्या लिखेंगे, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, 2 × डेल्टा
ओमेगा, लिख लेंगे यहां तक। तो इसके अंदर ओमेगा वन मैंने अभी ग्राफ से करके दिखाया कि ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा टू इज ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, लिख सकते हो उसे देख के। और अगर इन्हें माइनस करेंगे तो टू इंटू डेल्टा ओमेगा आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। अब आप ये देखें, अगर बैंडविड्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अगर बैंडविड्थ छोटी है तो ग्राफ थोड़ा पतला बनेगा, तो पीक वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। अगर बैंडविड्थ बड़ी है तो पीक उतनी छोटी आएगी। तो अगर बैंडविड्थ, मैंने क्या कहा, छोटी है, बैंडविड्थ छोटी है तो क्वालिटी फैक्टर उतना ही बड़ा आएगा, तो यानी कि शार्पनेस उतनी ज्यादा होगी सिग्नल में, और वो सिग्नल बढ़िया सिग्नल माना जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो बैंडविड्थ यानी कि छोटी रखनी पड़ती है हमें। तो इसमें लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी की रेंज को बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ अगर लो है तो क्वालिटी फैक्टर हाई है, तो शार्पर इज दी करंट, और क्यू वैल्यू जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी की रेशियोज है, तो इसका कोई डायमेंशन तो है नहीं। डेरिवेशन ऑफ क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने करवाई भी थी, पर मैंने इसको आता नहीं कभी देखा, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप समझ सकते हो। हालांकि मैंने करवाई थी, जिनको थोड़ा ज़्यादा डर लगता है और जो एनसीईआरटी के कोर बिलीवर है, वो बिल्कुल मेरे पे विश्वास ना करें और इसको कर जाए, क्योंकि मैंने इसको करवाया हुआ है। ठीक, तो अभी के लिए तो मैं कर रहा, बट अगर आप इतने फ्री हैं कि आप सारा कोर्स कर चुके हैं और आपका टाइम नहीं पास हो रहा और आपको लगता है डर लग रहा है, और डर लग रहा है, क्योंकि जितने डीप स्टडी, देखो दो लोग डरते हैं ज्यादा, एक जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो थोड़ा ज्यादा डरता है कि मैं उड़ ना जाऊं, और जिसकी ज्यादा तैयारी है वो सोचता है यार 95 से 94 ना हो जाए किसी तरीके से, वो एक नंबर भी उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोनों ही थोड़ा डर डर के काम करते हैं, बाकी जिसने 70 75 लेने हैं उसके 70 भी ठीक, 75 भी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कहने का मतलब है कि, और आप सब 90+ की रेंज में है मुझे मालूम है, तो आप प्लीज थोड़ा इसको कर जाए। ठीक, तो एलसीआर सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल तो भी मैं करवा ही दूंगा, उसमें देख ही लेते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन देखें प्लीज एक बार। 37th क्वेश्चन,
फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, इम्पीडेंस जेड निकालनी है, जिसमें आपको रिएक्टेंस ऑफ सी एल 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 गिवन है, तो एक्स सी और एक्स एल दोनों गिवन है और आर भी गिवन है, तो इम्पीडेंस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तीनों वैल्यूज गिवन है, आंसर आएगा। नेक्स्ट है रेजिस्टर ऑफ 50 ओम, आर की वैल्यू गिवन है, इंडक्टर ऑफ इतने हेनरी, एल गिवन है, एक्स एल नहीं, हेनरी का मतलब एल गिवन है, माइक्रोफेरेड सी गिवन है, आरएमएस वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा आ जाएगा, एक्स एल आ जाएगा, एक्स सी भी आ जाएगा, तो आर तो गिवन ही है, इंपीडेंस निकालनी है, तो इंपीडेंस क्या होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्स एल एक्स सी तो एल ओमेगा 1 बाय सी ओमेगा से निकाल ही लेंगे, तो वहां से इंपीडेंस कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे नेक्स्ट है 39th, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, वोल्ट मीटर और एम मीटर में रीडिंग क्या होगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहली चीज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, अब इसमें क्या गिवन है, वोल्ट मीटर तो ऑब्वियसली पैरेलल में ही लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से करंट जाएगा, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही मानना है, ये पैरेलल नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जिसमें इंपीडेंस पहले निकाल लो आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो करंट क्या होगा एम मीटर में आरएमएस जो वोल्ट मीटर है और जो एम मीटर है ये आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट ही मेजर करते हैं, तो एम मीटर का करंट क्या होगा आई आरएमएस ई आरएमएस बाय जेड, और वोल्ट मीटर में क्या होगा वोल्ट मीटर में होगा, वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा हुआ है सी और एल के अक्रॉस लगा हुआ है, तो यानी कि एक्स एल माइनस एक्स सी नेट रेजिस्टेंस इंटू आई, आई इंटू रेजिस्टेंस ओम्स लॉ आंसर, पर क्योंकि एक्स एल एक्स सी तो बराबर है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी जीरो होगी, क्योंकि एक्स एल एक्स सी को कैंसिल करेगा तो वी एल वी सी को कैंसिल कर जाएगा, तो नेट वोल्टेज एल और सी के अक्रॉस जीरो रहेगी। तो जैसे नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारी वैल्यूज और भी कुछ गिवन हो, ये कर लो 47th, सारा फंडा ही क्लियर हो जाएगा 47th में, तो दुनिया भर का 10 क्वेश्चन पूछ लिए एक ही बारी में, देखो जरा बस ये देखो गिवन क्या है आपको, इसमें C गिवन है, L गिवन है, R गिवन है, E नॉट गिवन है, ओमेगा गिवन है, तो इसका मतलब एक्स एल एक्स सी भी आ जाएगा L ओमेगा 1 बाय सी ओमेगा से, फ्रीक्वेंसी निकालो ईएमएफ की तो ओमेगा टी से कंपेयर करके ओमेगा ओमेगा से फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट निकालो, रिएक्टेंस क्या होता है एक्स एल आ जाएगा एक्स सी आ जाएगा, इंपीडेंस निकालो सीरीज है तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, करंट निकालो कौन सा निकाल लूं आरएमएस निकाल दो कुछ गिवन नहीं, तो ई आरएमएस बाय रूट टू, ई आरएमएस कैसे आएगा ई नॉट पता है, ई नॉट से ई आरएमएस से आई आरएमएस इज ई आरएमएस बाय जेड। नेक्स्ट है फेज एंगल ऑफ करंट बाय विच लीड या लैग्स द अप्लाइड ईएमएफ, तो इसमें कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, टेन फाई निकाल देना एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, तो वहां से फाई जो भी होगा पॉजिटिव होगा तो इंडक्टर लीड कर रहा है, नेगेटिव होगा कैपेसिटर लीड कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, अब यहां से फाई आएगा तो अगर तो वोल्टेज आगे चल रही है तो करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा, और अगर करंट आगे चल रहा है तो ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा और फाई ऊपर वाले पार्ट से निकलेगा। What is the effective voltage across the capacitor, inductor and resistance? Ohm law लगाओ, I into R, I RMS into R, I RMS into XL, I RMS into XC. तीन answer. And construct the vector diagram for these voltages. तो vector diagram आपको draw कर नीचे दिखा देता हूँ. What is the value of inductance will make the impedance of the circuit minimum? Impedance minimum कब होती है? जब XL, XC के इक्वल हो जाता है और रेजोनेंस हो जाती है, तो एक्सएल एक्ससी के इक्वल है तो इंपीडेंस हो जाएगी, और इसके अंदर जो फेजर था वो ये इसने ड्रॉ करके दिया हुआ है फेजर, ये आप एक बार देख लेना, वीआर गिवन है, वीसी गिवन है और वीएल गिवन है, तो फेजर डायग्राम कैन बी कैलकुलेटेड। तो कहने का मतलब एक एलसीआर के ऊपर ये शीट तो पक्का ही करके जानी है आपने, क्योंकि एलसीआर के ऊपर न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है बुकलेट के अंदर, ये रेजोनेंस हो गया,
क्यू फैक्टर, हमने क्यू फैक्टर किसी और तरीके से किया, बैंडविड्थ के तरीके से किया और हमारा आंसर भी आया। बट कभी कभी ये भी डेफिनेशन लिखी होती है, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टर इज नोन एज क्यू वैल्यू। इसके अंदर एक्स एल एल ओमेगा है, एक्स सी 1/C ओमेगा है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/√LC। यहाँ या यहाँ पुट करेंगे तो आंसर दोनों तरीके से क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक, तो यहाँ से क्यू वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है इसमें, इन में से इस टाइप की प्रॉब्लम तो आती ही है जिसमें आपको रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लॉट करना है, रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। एक्स एल इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, स्ट्रेट लाइन, एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, हाइपरबोला। ये ग्राफ में से एक ग्राफ तो आपको आ ही सकता है इसमें। फिर ये भी कभी कभी आ जाता है, पर रीड करना आना चाहिए, कि अगर आपकी जो सीरीज रेजोनेंस का जो ग्राफ है करंट का और फ्रीक्वेंसी का, वो तो ये ग्राफ हमने याद कर लिया, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद कर ली, अगर एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है तो ये वाला रीजन है, और अगर एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है तो ये वाला रीजन है। इसको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखते हैं। देखो एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, अगर ओमेगा बड़ा होगा तो एक्स एल बड़ा होगा, एक्स सी छोटा होगा, तो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी तो एक्स एल बड़ा होगा, एक्स सी छोटा होगा, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है तो एक्स सी बहुत बड़ा है, एक्स एल छोटा है, और अगर एग्जैक्टली यही पॉइंट है तो एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये तीन रीजन्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ठीक, बस ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है एक्स सी बहुत बड़ा है, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत बड़ी है एक्स सी छोटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बैंडविड्थ, तो मैंने बता दी, बैंडविड्थ का फॉर्मूला याद करना है, इसमें R बाय एल होता है फॉर्मूला। ठीक, R बाय एल, ये करने की जरूरत नहीं है। तो Q वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बता दिया। सेलेक्टिविटी क्या होती है, जितना जितनी छोटी बैंडविड्थ होगी, है ना, बैंडविड्थ छोटी होगी तो पीक वैल्यू ज्यादा आएगी, पीक वैल्यू ज्यादा आएगी तो क्वालिटी फैक्टर इसका ज्यादा होगा, तो आप इस सिग्नल को सेलेक्ट कर लेंगे, बाकियों को रिजेक्ट करेंगे, तो इसकी सेलेक्टिविटी हाई, इसकी लो, इसकी बहुत लो, ये रीड करना आना चाहिए। फिर एक करंट था जिसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। वॉटलेस करंट में पहले हम आज अभी करेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ पावर क्या होती है, ईवी आईवी कॉस फाई। तो आप इसमें ये देख लेते हैं कि ये आईआरएमएस है, ईआरएमएस है, मान लेते हैं इनके बीच में एंगल फाई, इसका एक कंपोनेंट इसके ऊपर है ईआरएमएस कॉस फाई और एक परपेंडिकुलर है, तो यहां से पावर क्या बनेगी, ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस फाई। ये वाला कंपोनेंट पावर में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट, दिस इज द वॉटलेस करंट। तो वैल्यू पूछेगा व्हाट इज वॉटलेस करंट, तो ये वैल्यू वॉटलेस करंट है क्योंकि पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करता। फिर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में एल और सी पैरेलल में है, करंट आया कुछ इंडक्टर में कुछ कैपेसिटर में, तो टोटल करंट को ऐड कर लिया। इंडक्टर जो होता है उसमें करंट पीछे होता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, कैपेसिटर में आगे होता है, तो इंडक्टर में जो वोल्ट जो करंट है मैक्सिमम ई नॉट बाय एक्स एल है, कैपेसिटर में ई नॉट बाय एक्स सी है, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस कॉस ओमेगा टी, ये प्लस कॉस ओमेगा टी कॉमन आ गया, अगर एक्स एल एक्स सी के इक्वल है तो करंट जीरो हो जाएगा, सीरीज के अंदर करंट मैक्सिमम हो जाता है रेजोनेंस पे, पैरेलल में जीरो हो जाता है। ये ग्राफ प्लॉट करने को आ सकता है, सीरीज के अंदर जो करंट का ग्राफ बनता है वो ऊपर को बनता है ऐसे, और पैरेलल में उल्टा बनता है, रेजोनेंस पे करंट क्या हो जाता है इसमें, जीरो। ठीक, रीड करना आ रहा है यहां तक, एवरेज पावर पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एवरेज पावर में ओनली रेजिस्टर की पावर है, ओनली रेजिस्टेंस में ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई नॉट कॉस साइन ओमेगा टी, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज ई इंटू आई, तो यहां से ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी राइट की तरफ चला गया, तो डी डब्ल्यू और डी टी का रिलेशन आ गया, तो डी डब्ल्यू और डी टी का रिलेशन आ गया। ठीक, तो ये रिलेशन है टोटल, क्योंकि एवरेज पावर क्या होती है, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, तो टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम में जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेट करेंगे, ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन मैंने याद करने को कहा था, सीधा आंसर टी बाय टू आता है, तो कुछ नहीं करना,
सीधा बस टी बाई टू पुट कर देना है। टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम इज एवरेज पावर ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू ई वी आई वी, ये आ सकता है। फिर ऐसा भी आ सकता है कि एवरेज पावर इंडक्टर में निकाल लो, इंडक्टर में ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट पीछे होता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगी। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, ई इंटू आई, ई और आई को मल्टीप्लाई किया, डी टी राइट साइड पे चला गया, इसको इंटीग्रेट किया जीरो से टी, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड किया ताकि ये साइन टू ओमेगा टी बन जाए। मैंने फिर बताया था, याद कर लेना है, साइन टू ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जीरो से टी क्या होती है, जीरो। तो सीधा वर्क डन जीरो, एवरेज पावर भी जीरो, दिखाने की जरूरत ही नहीं है स्टेप्स, तो एवरेज पावर इज जीरो। तो ओनली इंडक्टर में एवरेज पावर जीरो है, ओनली कैपेसिटर बिल्कुल सेम है, इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। सॉल्व करेंगे तो इंडक्टर में माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी था, इसमें प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, बाकी स्टेप सेम है, तो इसमें सिर्फ माइनस का ही चक्कर है, इंटीग्रेट करके इसका आंसर भी जीरो ही आएगा। ठीक, तो ओनली रेजिस्टर, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, और लास्ट है एलसीआर। एलसीआर में ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी अगर ईएमएफ है, तो करंट अगर आपको याद हो हमने एलसीआर किया था, ये वीआर था, ये वीएल माइनस वीसी था, और ये नेट वोल्टेज थी और ये करंट था, तो इसमें नेट जो वोल्टेज थी वो करंट से आगे है बाय एन एंगल ऑफ फाइ, या करंट पीछे है बाय एन एंगल ऑफ फाइ। तो अगर मैंने ई को लिख लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट पीछे है बाय एन एंगल ऑफ फाइ, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, ई इंटू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, डी टी राइट साइड पे चला गया। इसके बाद के स्टेप्स में बहुत लंबे मैंने वैसे ही शो कर दिए, एनसीईआरटी की बुक में कुछ भी शो नहीं है, तीन लाइन में खत्म है, तीन लाइन में खत्म करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग लिखेंगे जीरो से टी, सीधा रिजल्ट लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो टू टी वी गेट एवरेज पावर इज ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाई, दैट इज ई आर एम एस आई आर एम एस इन टू कॉस फाई। तीन चार लाइन में डन है, पर ये आ जाता है पेपर में, वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ई वी आई वी कॉस फाई आ जाता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है एवरेज पावर, देखो तीन लाइन में खत्म किया हुआ है। नेक्स्ट पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, एवरेज पावर होती है ईवी आई वी कॉस फाई, पावर फैक्टर होता है आर डिवाइडेड बाय जेड, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, ये भी काफी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें वॉटलेस करंट हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आ जाती है, एक सोलेनोइड या इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, एनर्जी जो पावर होती है डी डब्ल्यू बाई डी टी ई इंटू आई, ई की और ई एम एफ क्या होती है इंडक्टर में एल इंटू डी आई बाई डी टी, डी टी सी डी टी कैंसल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द करंट बाय आई, तो टोटल अगर आई नॉट करंट लेके जाना है इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर, ये रिजल्ट प्रूव करने को आ सकता है। ये नहीं आएगा तो ये आ सकता है एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमने ऐसा कैपेसिटर के अंदर भी देखा था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में एक सोलेनोइड या इंडक्टर में बी क्या होता है म्यू नॉट एन आई, आई क्या होता है बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन, इंडक्टेंस हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी, ये निकाली थी, इसको मॉडिफाई किया एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड करके, और एन बाई एल क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने याद करना है। इसमें आई की जगह यहां पर जो, क्योंकि जो एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर है, एल की जगह ये पूरी वैल्यू, आई की जगह ये वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई करके एनर्जी आ गई, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे एरिया इन टू लेंथ, तो एनर्जी डेंसिटी यहां तक आएगा, ये आपको प्रूव करके आना है। तो एनर्जी भी हो गई, एनर्जी डेंसिटी भी हो गई, ठीक है यहां तक? तो ये आपका थ्योरी का यहीं तक था, और जो लास्ट पार्ट है पेपर में आया क्या हुआ है, ये तो असली चीज है। पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर वन से लेके फिफ्टीन तक कुछ नहीं है, सिक्सटीन तक कुछ नहीं है, सेवनटीन एटीन तक कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है, 20 तक घर चले, बेकार है। आगे देखते हैं, 21 तक भी कुछ नहीं है, 24, 25 तक भी कुछ नहीं है, पूरा पेपर खत्म होने को आ गया। 26 क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया इस साल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शार्पनेस ऑफ, जो शीट दी थी आपको लिख के, शार्पनेस के ऊपर क्वेश्चन आया है। पूरी थ्योरी लिखनी है, डायग्राम बना बना के पूरा डायग्राम, वो ओमेगा वन ओमेगा टू बैंडविड्थ, तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा। ये ना शार्पनेस की डेफिनेशन लिखा है, पेपर बढ़िया हो गया, नंबर नहीं मिलने, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, थोड़ा लगना चाहिए कि पांच। तो और तुमने नॉलेज छुपा के करनी भी क्या है, तो लिख के आओ ना वहां पे जो तुमने लिखना है। तो किसके लिए पढ़ा था वो शीट, किस लिए लिखी थी, लिखने के लिए तो लिखी थी। फिर हाउ इज इट रिलेटेड विद क्वालिटी फैक्टर क्यू, जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा शार्पनेस उतनी ज्यादा होगी। यूजिंग द ग्राफ गिवन इन द डायग्राम एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्टेड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ अगर कम होगी तो पीक ज्यादा होगी, शार्पनेस ज्यादा होगी। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिखोगे, पूरा लिखना पड़ेगा जैसे मैंने शीट पे लिख के दिया, बिल्कुल वैसे ही 2 पेज लिख के दिए मैंने आपको, 2 पेज में खत्म करके आओगे आप भी। एंड फॉर विच ग्राफ इज द रेजिस्टेंस मिनिमम, R1 क्योंकि करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस मिनिमम, तभी तो पीक वैल्यू भाई। फिर उसके बाद सी गिवन है, आर गिवन है, एल गिवन है सीरीज में, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स ताकि करंट ड्रॉन इज मैक्सिमम। करंट ड्रॉन मैक्सिमम कब होता है, जब रेजोनेंस होती है, इंपीडेंस मिनिमम होती है, तो XL इज इक्वल टू XC। तो ठीक है, XL इज इक्वल टू XC पे करंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिनिमम। उसके बाद इफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC आंसर आएगा इसका। इफ द पीक वैल्यू ऑफ EMF इज गिवन, ई नॉट गिवन है, मैक्सिमम करंट निकालो, मैक्सिमम करंट क्या होगा, ई नॉट बाय जेड नहीं, ई नॉट बाय आर, क्योंकि रेजिस्टेंस को आपको क्या लेना पड़ेगा, इंपीडेंस को मिनिमम रेजोनेंस पे, ताकि करंट क्या आएगा मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट है, ई नॉट बाय जेड मत करा ना, ई नॉट बाय आर है इसमें, ठीक। एंड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लो, निकल जाएगी XL इज इक्वल टू एल ओमेगा, XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन आया, तो एक ही क्वेश्चन आया और इजी क्वेश्चन आया मेरे को लगता है 2018 में, 2 साल पहले। इसके अंदर भी कोई छोटा क्वेश्चन तो आया ही नहीं है, 3 नंबर में आया होगा मेरे को लगता है। शुरुआत तो इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी करती हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, आपने देखा होगा भरा पड़ा होता पेपर। मेरे को तो ऐसा लगता है पूरे पेपर में ना इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, और फिर वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और फिर सेमीकंडक्टर, ये तो ना, और ड्यूल नेचर, ये तो चमकते हैं दूर से, सारे दूर दूर से चमकते हैं ये तो, ये इस सिक्वेंस सब सीक्वेंस सबसे सही है। लो, डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स वी जी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आगे है, ध्यान आगे, करंट आगे कब होता है वोल्टेज से, जब कैपेसिटेंस होती है पाई बाई टू, तो एक्स इज कैपेसिटर। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एक्स, ठीक है हो गया। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एक्स सी। तो अब ये ना नंबर देखने पड़ेंगे, अगर ये एक्सप्रेशन पूछते हैं एक्सप्रेशन लिख दो, अब जैसे इसने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया कि एक्सप्रेशन निकला कैसे, एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेशन लिखो कि रिएक्टेंस कैसे निकली, तो पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी ई जी नॉट साइन ओमेगा टी से, करंट को जो डराइव करते हैं उसमें कैसे एक्स सी को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम, ये तो हमने ग्राफ किया आज हमने, ये देखो एक्स सी और उसका ग्राफ, मतलब फेजर डायग्राम पूछ रहा है वोल्टेज और करंट का, कैपेसिटर का। सी पार्ट में पूछ रहा है हाउ डज रिएक्टेंस एक्स सी वेरीज विद फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा था ना ये आएगा, हाइपरबोला, एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। डी पार्ट है फेजर डायग्राम ड्रॉ करो एक्स का, तो फेजर ड्रॉ कर लोगे इसका कैपेसिटर का, ये ना आसान है। तो क्वेश्चन तो सीधे आ रहे हैं, क्वेश्चन टेढ़े आ कहां रहे हैं, मतलब अगर मैं यू लाइक भी नहीं छेड़ रहा तब भी क्वेश्चन तो आज के डेट में हो ही रहे हैं, आज के लेक्चर से ही हो रहे हैं वैसे तो, ठीक।
तो अभी लास्ट जो हमारा काम है वो थोड़ा सा इस बुक को देख लेते हैं ताकि लगे कि ये बुक के अंदर भी कुछ नहीं है। ठीक, देखो है नहीं, वाकई कुछ नहीं है, कोई बहुत मज़ेदार उसमें क्वेश्चंस है नहीं, बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो अभी हम करके आए हैं, जल्दी हो जाएगी, 5-10 मिनट में, ज़्यादा नहीं है। जैसे 100 ओम का रजिस्टर आर है कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, ई आर एम एस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, व्हाट इज द आर एम एस वैल्यू? भाई 220 की जो आर एम एस वैल्यू है, आर एम एस करंट क्या होगा? ई आर एम एस बाय वी आर एम एस बाय आर। नेट पावर कंज्यूम्ड क्या होगी? ओनली रजिस्टर में वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7.2 में पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज गिवन, पीक वोल्टेज का मतलब वी नॉट गिवन है, आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है तो आर एम एस हो गई। आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट निकाल लो, करंट गिवन है 10 तो पीक करंट कितना है? आई आर एम एस गिवन है तो आई नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई खास बड़े क्वेश्चंस नहीं है इसमें। 7.6 करते हैं, कुछ पेजेस भी मिसिंग है इसमें मेरे। ऑब्टेन दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, जब एल पता है, सी पता है और आर पता है, और क्यू वैल्यू भी निकालने तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो आई जाएगी 1/√LC ओमेगा। क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? एल ओमेगा आर बाय आर, वेयर ओमेगा आर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस क्यू वैल्यू की फॉर्मूले को याद करना है आपने। 7.8 में सपोज इनिशियल चार्ज, नहीं ये तो रेफरेंस 7.7 एग्जांपल है, ये भी रेफर्ड है सारे। ये देखो 7.18, अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एल पता है, सी पता है, एल सी पता है, ई आर एम एस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, रेजिस्टेंस आर जीरो है, करंट एम्पलीट्यूड एंड आर एम एस एम्पलीट्यूड। जब आपको वी आर एम एस पता है तो फिर एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम ई की वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको करंट एम्पलीट्यूड निकालना है, पर उसके लिए आपको इंपीडेंस चाहिए होगी। इंपीडेंस का सीरीज में फॉर्मूला होता क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, पर इसमें आर तो है ही नहीं तो बचेगा क्या? एक्स एल माइनस एक्स सी, तो जेड आ गया। तो आई आर एम एस क्या होगा? वी आर एम एस बाय जेड। तो यहां से वी आर एम एस पता है, जेड डिवाइड करेंगे तो आंसर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी करंट की? √2 आई आर एम एस। और नेक्स्ट है आर एम एस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर? अब इंडक्टर में एवरेज पावर क्या होती है? जीरो। कैपेसिटर में क्या होती है? जीरो। पूरे सर्किट एल और सी में क्या होगी? ईवी आईवी कॉस फाई, है ना, ईवी आईवी कॉस फाई। पर प्रॉब्लम क्या है? टेन फाई क्या होता है? एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, आर तो है ही नहीं, या कॉस फाई क्या होता है? आर बाई जेड, आर तो है ही नहीं, तो फाई फिर से क्या आएगा इसमें? जीरो आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। जो एवरेज वैल्यू होती है वो देखो, आप ऐसे करो ईवी आईवी कॉस फाई, तो ईवी पता है आईवी पता है, कॉस फाई इज आर बाई जेड, हाँ आर जीरो है, राइट, आर जीरो, तो आंसर एवरेज जीरो ही आएगा इसमें, क्योंकि ईवी आईवी कॉस फाई है ना। कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर आर बाई जेड, आर ही नहीं है तो पावर फैक्टर कहां से होगा? ठीक है, तो मीन एलसीआर की शीट कर लोगे ना, सफिशियंट है एलसीआर की शीट से। बीच में ट्रांसफॉर्मर्स के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गिवन है, ये सब ट्रांसफॉर्मर चल रहा है इसमें। तो इसके बेसिक जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आरएमएस करंट, पता है आपको। क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, व्हाट व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, जीरो है। 6th है, व्हेन लैंप इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई इट लाइट्स विद द सेम ब्राइटनेस, व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट डीसी बैटरी पीक वैल्यू निकालो। मैंने क्या कहा था कि जो डीसी करंट है उसको आरएमएस के साथ इक्वेट कर लिया करो, तो मैक्सिमम करंट इज √2 इनटू वी आर एम एस, आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि 8th क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज डू यू मेजर विद एसी एमीटर या वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू को मेजर किया जाता है। 9th है, अ रिएक्टिव एलिमेंट इन एसी सर्किट कॉजेज द करंट फ्लोइंग टू लैग बाय पाई बाय टू, जब करंट लैग होता है तो इंडक्टर है और लीड करता है जब करंट तो कैपेसिटर है। 10th है, एक्स एल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो, हो गया। एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो, ये भी हो गया, सिंपल न्यूमेरिकल है। 12th, नेक्स्ट है, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट
वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर 20 20 और 40। भाई इंडक्टर कैपेसिटर की वोल्टेज तो सेम है 20 और 20, वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, क्या होगा टेन फाई, क्या होता है वी एल माइनस वी सी बाई आर, पर वी एल तो वी सी के इक्वल है तो फाई क्या रहेगा, जीरो। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीरीज एल सी आर वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर आर 30 30 60, फिर से वी एल इज इक्वल टू वी सी, वॉट इज फेज डिफरेंस, फिर सेम यार वी एल वी सी के इक्वल है तो फेज डिफरेंस पक्का ही जीरो आएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है, कह रहे हैं वोल्टेज और करंट पहचानो, तो इसके अंदर ये है क्या, इंडक्टर का केस गिवन है, इंडक्टर का, तो इंडक्टर का आज हमने केस किया था कि वी वी नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टर में माइनस कॉस फंक्शन होता है, तो डॉटेड लाइन करंट है और डार्क लाइन वोल्टेज है, आज हमने किया था इसका फेजर। जैसे 22 है, द इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, व्हाट इज पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन क्या होती है, ईवी आईवी कॉस फाइ, पर करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू क्या होता है, जीरो, तो एवरेज पावर इज जीरो, तो एंगल चेक करना है इसमें, पावर फैक्टर क्या होता है ये मालूम है, हाउ डज साइन ऑफ फेज एंगल फाइ बाय विच सप्लाई वोल्टेज लीड्स द करंट इन द एलसीआर सर्किट चेंज एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम वेरी लो टू हाई वैल्यू, वो कह रहा है वेरी लो वैल्यू पे एक्स सी बहुत बड़ा होता है, टेन फाइव पॉजिटिव है, नहीं टेन फाइव नेगेटिव है, क्योंकि टेन फाइव क्या होता है एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, लेकिन जब ओमेगा बहुत बड़ा हो गया तो एक्स एल छोटा हो जाएगा, टेन फाइव बिकम्स नेगेटिव। तो जैसे 27 क्वेश्चन है, एक बल्ब और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, हाउ विल ब्राइटनेस ऑफ बल्ब चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स सी कम होगा, एक्स सी कम होगा रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। उसी तरीके से अगर इंडक्टर लगा होता, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती तो एक्स एल बढ़ता तो ब्राइटनेस कम हो जाती। तो इजी क्वेश्चंस है सारे, देखो बैंडविड्थ के फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस हैं, व्हाई वी यूज एसी वोल्टेज प्रेफर्ड ओवर डीसी वोल्टेज, क्योंकि एक तो एसी जनरेटर इज इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन, सेकेंड है यूजिंग ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई मे बी सूटेबली इंक्रीज या डिक्रीज, ट्रांसफॉर्मर से एसी को तो कंट्रोल कर सकते हैं डीसी को नहीं कर सकते, और लास्ट है एसी को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाया जा सकता है बिना पावर लॉस के, डीसी को नहीं करवाया जा सकता, इसलिए एसी को प्रेफर किया जाता है ओवर डीसी। ये डेरिवेशंस है सारी कि कौन करंट से आगे है कौन पीछे है, ये सब डेरिवेशन चल रही है जो आज हमने बुकलेट में की है। वाई रिएक्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, वो तो पता ही है एक्स सी क्या होता है 1/C ओमेगा, ओमेगा कम होगा तो एक्स सी बढ़ जाएगा, सिंपल। ये फेजर डायग्राम्स हैं, सेम आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे 18th है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज अप्लाइड अक्रॉस सीरीज एलसीआर सर्किट, एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो आपको ये बताना है कि वोल्टेज लीड करती है या लैग करती है अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफ आर है, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस है यानी कि बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है तो एक्स एल बड़ा होता है, एक्स एल बड़ा होता है इंडक्टर का अफेक्ट बड़ा होता है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे है करंट पीछे, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है एक्स सी बड़ा हो जाता है तो कैपेसिटेंस ज्यादा डोमिनेट करता है तो करंट आगे हो जाता है वोल्टेज पीछे हो जाती है, ठीक। तो क्यू वैल्यू के बारे में बताना है। अब ये ग्राफ देखो, हमने सीरीज रेजोनेंस में करंट का ग्राफ हमेशा प्लॉट किया ऊपर ऐसे, कह रहे सीरीज के अंदर इंपीडेंस का ग्राफ प्लॉट करो, इंपीडेंस मिनिमम हो गई कब, रेजोनेंस के ऊपर इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम, तो ये ग्राफ ने हमने किया था। नेक्स्ट एवरेज वैल्यू की डेरिवेशन है, ये सब डेरिवेशन हैं जितने भी हैं, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस हमने किए थे, फ्लक्स लीकेज है, वाइंडिंग है, एडी करंट्स हैं, हिस्टैरिसिस है, ये सब ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस हैं, ये भी आ जाते होते हैं पेपर में, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, इन सीरीज आरसी सर्किट कैपेसिटिव इंपीडेंस इज ए टाइम द रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर बताओ। देखो पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाय जेड, वो कह रहा है इंपीडेंस जो है
इसमें कैपेसिटेंस में ए टाइम रेजिस्टेंस है, तो पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली 1/a, और इंडक्टर के अंदर कह रहे हैं जो बी टाइम रेजिस्टेंस है, तो पावर फैक्टर 1/b। तो मतलब आपको पावर फैक्टर आर बाय जेड याद करना है, और जेड की वैल्यू एक में ए टाइम्स आर गिवन है, एक में बी टाइम्स आर गिवन है। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं, एलसीआर के न्यूमेरिकल बड़े कॉमन न्यूमेरिकल्स हैं, तो मेरे ख्याल से एक आइडिया क्लियर है कि इसमें, बाकी तो सेम ही चल रहा है सारा, तो एक आइडिया क्लियर है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स में। ठीक, तो तैयारी करते हुए माइंड में रखना डेरिवेशंस के साथ साथ रेजोनेंस के ऊपर और एलसीआर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, शार्पनेस, क्यू फैक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है।